भारतीय जन कल्याण समिति के बैनर तले 27 नवंबर को लमलू में समिति के द्वारा समाज सेवक प्रकाश चंद शर्मा की अध्यक्षता में 101 महिला मंडलों के सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर समिति के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मान समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। सम्मान समारोह में राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या के पूर्व सांसद एवं कार्यकारी अध्यक्ष राम विलास वेदांती मुख्य अतिथि व विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा विशिष्ट अतिथि शिरकत करेंगे। भारतीय जन कल्याण समिति के बैनर तले 27 नवंबर को लमलू में समिति के द्वारा समाज सेवक प्रकाश चंद शर्मा की अध्यक्षता में 101 महिला मंडलों के समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर समिति द्वारा बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें समापन समारोह के आयोजन की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई। समापन समारोह में राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या के पूर्व सांसद एवं कार्यकारी अध्यक्ष राम विलास वेदांती मुख्य अतिथि व विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष लेखराज राणा विशिष्ट अतिथि शिरकत करेंगे। भारतीय जन कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश पठानिया ने कहा कि बहुत गर्व की बात है कि भारतीय जन कल्याण समिति के बैनर तले पहली बार 101 महिला मंडलों को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समिति के सभी सदस्य एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इलाके के जितने भी महिला मंडल हैं वे मजबूत हों, इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लें और आने वाले समय में समिति इस तरह के आयोजन करती रहे। मैं ये बहुत बड़ी गौरव की बात है कि भारतीय जन कल्याण समिति के बैनर तले पहली बार इस इलाके के 101 महिला मंडलों को समिति के द्वारा 27 नवंबर को लमड़ू में सम्मानित किया जा रहा है। हम सब की इच्छा है, हमारी समिति की जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, ये एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि जितने भी हमारे इलाके के महिला मंडल हैं वो पूरी तरह से मजबूत हों। इसी के तहत हम एक इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो है राम जन्मभूमि अयोध्या के जो न्यास के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर राम विलास वेदांती जी महाराज, वो हम सबको यहाँ आकर इतने दूर से चल के यहाँ आशीर्वाद देने आ रहे हैं। 27 तारीख को हमारी समिति की ओर से हमारे इलाके के महिला मंडलों की ओर से स्वामी जी का भव्य स्वागत किया जाएगा। उनके साथ साथ हमारे इस इलाके से गांव चमड़ेड़ से जो प्रकाश शर्मा जी हैं वो समाज सेवा में अपनी धूम दिल्ली में मचा चुके हैं, वो भी 27 तारीख को यहाँ आके लमड़ू में जो है हमें आशीर्वाद देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, जिला मंडी के रहने वाले हैं, वो भी हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं। हम सब उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम महिला शक्ति के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज इस यहाँ विश्राम के लमड़ू बोनी के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम जो है आगे बढ़ता रहे और इसी तरह भारतीय जन कल्याण समिति जो है वो आने वाले समय में भी ऐसे जो कार्यक्रमों का आयोजन करती रहे। महिला मंडलों की महिलाओं ने बताया कि 27 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय जन कल्याण समिति के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। नीति का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे महिला मंडल और जो भी हमारी विकास समितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, वो अब मतलब हमारे जिला के जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है लमड़ू में, उसके लिए हम लोग यहाँ पे सारा सभी लेडीज को बुलाया है और इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम इस समिति को आगे बढ़ाएं और इसका जोर शोर से मतलब वेदांती जी का हम वहाँ पे स्वागत भी करेंगे और आए हुए सारे तिथियों के लिए हमारा उनका आदर सत्कार करेंगे। नहीं, ये पहली बार करा रहे हैं हम लोग। एनजीओ की तरफ से सभी लेडीज महिला मंडलों की बहनें, सभी बहनें इकट्ठी हुई हैं। हमारा 27 तारीख को भारतीय जन कल्याण समिति की ओर से फंक्शन रखा हुआ है, उसके प्रोग्राम के तैयारी के लिए सभी महिला मंडल की बहनों तथा बहनों सभी तैयारी करने के लिए इकट्ठी हुई है। कार्यक्रम में वक्त चला है, छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।